हरियाणा में महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में घिरे मंत्री संदीप सिंह से चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है। एसआईटी ने सेक्टर 26 स्थित पुलिस थाने में मंत्री से 7 घंटे तक पूछताछ की है। साथ ही मंत्री के 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिए। पूछताछ के दौरान संदीप सिंह ने कुछ दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं। एसआईटी ने महिला के आरोपों को लेकर मंत्री से अलग अलग सवाल किए, साथ ही मोबाइल पर चैट को लेकर भी संदीप सिंह से सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान संदीप सिंह ने बताया कि जूनियर महिला कोच उनकी क्लासिक प्लेयर की लिस्ट में शामिल थी। एसआईटी ये संभावना जता रही है कि यही कारण होगा कि संदीप सिंह ने गोपनीय दस्तावेज कोच से शेयर किए। वहीं अब मंत्री के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसके जरिए दस्तावेज साझा किए जाने का कोच दावा कर रही है। मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि वो पुलिस जांच में शामिल हो चुके हैं। अब तक पुलिस को दिए गए बयान में मेरा स्टैंड साफ है। उन्होंने कहा कि जब भी पुलिस जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगी मैं आऊंगा। जूनियर महिला के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मुझे कानून पर विश्वास है और सच की ही जीत होगी। दूसरी ओर संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के मामले में एसआईटी चंडीगढ़ को बड़ा सुराग हाथ लगा है। एसआईटी ने महिला कोच को 1 करोड़ की रिश्वत का ऑफर करने वाले की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि वो हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ का सदस्य है। उसी के कारण महिला कोच को 1 महीने के लिए 1 करोड़ और विदेश जाने का ऑफर दिया गया था। पूछताछ के लिए एसआईटी ने उस पदाधिकारी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भी जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस टीम ने जूनियर महिला कोच के फटे कपड़ों को जब्त कर सीज कर दिया है। साथ ही संदीप सिंह के खिलाफ केस में आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब केस को लेकर संदीप सिंह से पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह होगा कि जांच के दौरान मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।